2024 में अयोध्या में भाजपा को करारी हार मिली है। ऐसे में अब भाजपा एक्शन मोड में आ गई है। आखिर हार की वजह क्या रही, अब भाजपा इसका पता लगाने में जुट गई है। इसी कड़ी में फैजलबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी समीक्षा बैठक करेगी। आज यानी कि बुधवार को यूपी की सबसे हॉट सीट अयोध्या की समीक्षा होगी। अयोध्या में हुई बीजेपी की हार की समीक्षा में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल रहेंगे। समीक्षा अयोध्या में विधानसभा वार होगी, मिल्कीपुर, रुधौली, बीकापुर और फिर अयोध्या की समीक्षा होगी। यूपी में बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट 25 जून तक आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा के दौरान एक खास पैटर्न में वोट कम होने की जानकारी सामने आई। हार के कारणों में आरक्षण के मुद्दे से लेकर जातीय गोलबंदी, कोऑर्डिनेशन की कमी का कारण अभी तक की जांच पड़ताल में खास तौर पर उभर कर सामने आया। 80 लोकसभा सीटों पर समीक्षा हो रही है, 40 लोगों की टीम समीक्षा कर रही है। आपको बता दें कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक खास पैटर्न में बीजेपी के वोट कम हुए। औसतन करीब 6 से 7% वोटों की कमी का पैटर्न पाया गया। सूत्रों के मुताबिक हार के अब तक सामने आए कारणों में कुछ ऐसे कदम जिनसे विपक्ष के वोट एकजुट हुए, इसमें जातीय गोलबंदी, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की सुनवाई न होना, अफसरशाही, आती आत्मविश्वास और आरक्षण को लेकर पैदा हुई गलतफहमी बताई जा रही है।